हे गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। रेडमी नोट 9 प्रो डिवाइस के बारे में बात करें तो लास्ट अपडेट था 12.5.1.0। यहाँ पर काफ़ी पुराना अगस्त का सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिलता है, लेकिन फाइनली अभी रेडमी की तरफ से इस डिवाइस के लिए MIUI 12.5 सीरीज़ का जो अनहैंस्ड वर्जन का अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। MIUI 12.5.2.0 का अपडेट आपको मिलता है। 711 MB इस अपडेट का साइज़ है। एंड वैसे इस अपडेट का चेंज लॉग आप देख सकते हैं, ओनली 2 पॉइंट्स को मेंशन किया गया है, बट यहाँ पर काफ़ी सारे न्यू फीचर्स आपको मिल जाते हैं। साथ में इस अपडेट के बाद डिवाइस का रिव्यू करेंगे, कैमरा कुछ सैंपल्स भी आपको दिखाऊंगा, एंटीटू बेंचमार्क स्कोर कितना आपको मिलता है, मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर यहाँ पर ऐड हो चुका है, तो रैम एक्सपेंशन का फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है, फ्लोटिंग विंडो का न्यू लेआउट आपको मिलता है, सिक्योरिटी में अपडेटर ऐप भी आप चेंज कर सकते हैं जो लेटेस्ट एनहांस्ड वर्जन की है, न्यू गेमिंग मोड्स आपको मिल जाते हैं। तो काफी सारे ऐसे फीचर्स अगर आप डायरेक्टली चेक करेंगे अपने फोन में तो वो आपको नोटिस नहीं होंगे, उन्हें आपको अनेबल करना पड़ेगा। कैसे अनेबल कर सकते हैं अगर आपको अपडेट नहीं मिला है, कैसे आप अपडेट कर सकते हैं, वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। तो फाइनली दोस्तों एक अपडेट रोल आउट स्टार्ट हो चुका है, तो वीडियो पे एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सपोर्ट आप कर सकते हैं सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन वॉल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि रेडमी के किसी भी डिवाइस में कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। एंड टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें न्यू अपडेट के बारे में, तो ये अपडेट का वर्जन आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने अपने डिवाइस में इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है। तो जैसे अपडेट आया था स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया था, लास्ट अपडेट था 12.5.1.0 एंड ये अपडेट आपको मिलता है 12.5.2.0 का RJWINXM का ये अपडेट का कोड आपको मिल जाता है, यानी इंडियन यूजर्स के लिए अपडेट है। 711 MB इस अपडेट का साइज है। ऑप्टिमाइज किया गया है सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो इस अपडेट के चेंज लॉग में यही कुछ चेंजेस मेंशन आपको मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे न्यू ऑप्शंस को ऐड किया गया है। जैसे कि सबसे पहले हम चेक करते हैं अबाउट फोन में, ये आप देख सकते हैं Redmi Note 9 Pro डिवाइस है एंड यहाँ पर जो लास्ट अपडेट का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल था वो था अगस्त का, भी आप देख सकते हैं लेटेस्ट आपको नवंबर का मिल जाता है। नवंबर का मंथ चल रहा है, काफी अच्छी बात है, इसी मंथ का लेटेस्ट आपको मिलता है। इससे बेसिकली जो सिस्टम की सिक्योरिटी, डिवाइस की जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी ऑप्टिमाइज की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चेंजेस के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर अपडेट का यूआई है, सॉफ्टवेयर अपडेट का जो यूआई है, अपडेटर ऐप है, इसमें एनहांस्ड यहाँ पर 12.5 के नीचे मेंशन यहाँ पर आप देख सकते मिलता है, लेकिन अगर अपने डिवाइस में आप चेक करेंगे तो ये आपको नोटिस नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपडेटर ऐप को अपडेट करना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दी है, तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं सिंपली टेलीग्राम में डाउनलोड करके। तो चलिए अभी बात करते हैं डायरेक्टली न्यू फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर आपको मिलता है, रैम मैनेजमेंट का, तो रैम एक्सपेंड का फीचर आपको मिल जाता है। 1 GB रैम आप एक्सपेंड कर सकते हैं, डिफरेंट रैम वेरिएंट्स के ऊपर है। अगर आपके पास 4 GB रैम वाला वेरिएंट है, जैसे कि मेरे पास ये 4 GB रैम वेरिएंट फोन है, तो 1 GB आप एक्सपेंड कर पाएंगे। जैसे 6 GB या 8 GB रैम वेरिएंट है तो वहां पर 2 GB 3 GB रैम आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन तो आपको मिलता है एंड अगर आप इसे ऑफ करते हैं तो रिबूट आपको डिवाइस करना पड़ेगा, एंड ऑन करेंगे फिर से आपको रिबूट करना पड़ेगा। लेकिन इसको अनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं रिसेंट एप्स में जो रैम है वो आपको शो नहीं करता है। जैसे इसमें 4 GB रैम है तो प्लस साइड में 1 GB या फिर 5 GB शो करना चाहिए, जैसे रियलमी में आपको मिलता है। वहां पर अगर आपके पास है 4 GB रैम वेरिएंट तो यहाँ पर आपको 3 GB तक रैम एक्सपेंड का फीचर मिलता है, लेकिन यहाँ पर 1 GB ऐड किया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये शो करना चाहिए था। तो इस अपडेट के बाद जो वॉल्यूम कंट्रोलर है, नीचे आपको टाइमर सेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है एंड यहाँ पर जो DND का भी, यानी डू नॉट डिस्टर्ब का भी टाइमर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर या फिर मैक्सिमम 8 आवर्स के लिए आप टाइमर सेट कर सकते हैं, जितना आपको टाइम सेट करना है, एंड इसी के साथ जो बैकग्राउंड है वो ब्लर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें सिक्योरिटी ऐप के बारे में, तो अपडेट के बाद सिक्योरिटी ऐप आप देख सकते हैं सिमिलर आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आपको गेम स्पेस लेटेस्ट चाहिए तो गेम स्पेस का ओपनिंग एनिमेशन आप देख सकते हैं पुराने की तरह आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप किसी भी गेम को ओपन करते हैं, यहाँ पर अभी आप एनिमेशन देख सकते हैं गेम स्पेस को ओपन करने का। पहले जो गेम टर्बो था ऊपर आपको मिलता था, लेकिन अभी लेफ्ट साइड में आप स्क्रीन पर आपको मिल जाता है। स्लाइड बार में फ्लोटिंग विंडो के ऑप्शन आपको मिलते हैं, किसी भी ऐप पे क्लिक करेंगे फ्लोटिंग विंडो यानी आप स्क्रीन पर वो आपके साथ में आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसी के साथ स्क्वायर बॉक्स में टाइम, गेम टर्बो ये ऑप्शन आपको मिलता है। GPU, CPU, FPS की डिटेल आपको मिलते हैं। यहाँ पर साथ में जो गेमिंग मोड है, 2 गेमिंग मोड आपको मिलते हैं, बैलेंस्ड एंड परफॉर्मेंस मोड। तो यहाँ पर बैलेंस्ड मोड में जो बैटरी है थोड़ी कम ड्रेन होगी, परफॉर्मेंस मोड में रेड कलर की एनिमेशन है, यहाँ पर बैटरी थोड़ी ज्यादा ड्रेन होगी। तो ये कुछ चेंजेस आपको मिल जाते हैं एंड बाकी जो टॉगल्स है वो भी इसके नीचे टाइमर
टाइमर भी आपको मिलता है। तो न्यू गेम टर्बो इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको जो MI की ऑफिशियल सिक्योरिटी ऐप है उसका लेटेस्ट वर्जन अपडेट करना पड़ेगा। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप में आप जाइए, वहां पर मैंने लेटेस्ट एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। सिंपली वहां पर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जैसे जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं वैसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, जो लेटेस्ट गेम टर्बो है वो आपके फोन में इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें सेटिंग्स के बारे में, तो स्पेशल फीचर्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनइंस्टॉल सिस्टम एप्स है उसका ऑप्शन यहाँ पर अभी भी आपको नहीं मिलता। ये आप देख सकते हैं Redmi Note 9 Pro डिवाइस एंड ये ऑप्शन अभी के लिए काम नहीं करता, जबकि Redmi Note 7 Pro एंड Redmi की जो Note 10 सीरीज है वहां पर फिलहाल के लिए ऑप्शन काफी बढ़िया तरीके से काम करता है, जिसमें जो Xiaomi की सिस्टम एप्लीकेशन है जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कैलकुलेटर या फिर और भी दूसरे एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन ऐड नहीं किया गया है, जो कि डिसअपॉइंटेड वाली बात है, जिससे कि बताया गया था 12.5 में ये ऑप्शन आपको मिलेगा। देखते हैं अभी आगे अपडेट्स में शायद ऐड हो जाए। नेक्स्ट अभी वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें जो भी एप्लीकेशन को आप ऐड करना चाहते हैं उसे आप ऐड कर सकते हैं। अभी जो लेआउट है जैसे गेम स्पेस का था, साइड में स्लाइड बार था फ्लोटिंग विंडो के लिए, वैसा ही सेम स्लाइड बार आपको मिल जाता है। डिस्को अनेबल करने के लिए दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जो MI की सिक्योरिटी एप्लीकेशन उसको आपको अपडेट करना है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जो अपडेटर ऐप है MIUI की एंड जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है वो भी आपको मिल जाएगी, साथ में जो लेटेस्ट इस मंथ का जो सिस्टम लॉन्चर है अल्फा लॉन्चर है वो भी आपको मिल जाएगा। सिंपली जैसे ऐप को डाउनलोड करते हैं क्लिक करेंगे इंस्टॉल आप कर सकते हो, ऑफिशियल आपको मिलता है, लेकिन वो टेस्टिंग का वर्जन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा जहां पर सारे फीचर्स अनेबल होंगे एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर आप वेट करना चाहते हैं इन ऑप्शंस का तो 2-3 महीने बाद में ऐड होंगे, लेकिन अभी अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो सिंपली एप्लीकेशंस को अपडेट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर अगर आप अनलॉक करते हैं तो इसमें आपकी जो ऐप की ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन है, डिवाइस की जो एनिमेशन है वो यहां से रिमूव कर दी गई है। जी हां दोस्तों, अभी कोई एनिमेशन आपको नहीं मिलती है जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एंड जो फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन है, रिसेंट ऐप में किसी भी एप्लीकेशन पे अगर आप होल्ड करेंगे पहले फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन शॉर्टकट था, अभी डायरेक्टली उसका मैनेज ऐप मैनेज सेटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो ये कुछ अभी के लिए रिमूव किया गया जो बेसिकली जो एनिमेशन है। अगर आप वापस चाहते हैं MIUI का अल्फा लॉन्चर, अगर आप सिस्टम लॉन्चर अपडेट करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक है तो वहां से आप अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें विजिट्स के बारे में, तो टू फिंगर से अगर आप पिंच इन करेंगे या होल्ड करके रखेंगे विजिट्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। कोई भी विजिट अगर आप ऐड करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए सेटिंग हमने ऐड किया, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो टाइम है जो बाकी डिटेल्स है वो आपको शो करेगा डैशबोर्ड पर ही, जो फोकस मोड की डिटेल्स है वो आपको शो कर देता है। इसी के साथ में जो बाकी विजिट्स है वो भी रेक्टेंगल बॉक्स में आपको मिलेगी अगर आप उन्हें अनेबल करते हैं, तो ये कुछ चेंज आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम चेक करें एंटीटू बेंचमार्क स्कोर आप देख सकते हैं, अपडेट के बाद स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट है, 2,35,000 के अप्रोक्स आपको मिल जाता है, लास्ट अपडेट में भी कुछ इतना ही था। एंड यहाँ पर जो मल्टी टच है वो भी आप देख सकते हैं, 10 फिंगर्स का एक साथ आपको मिल जाता है, तो टच में कोई इशू नहीं है। वैसे आप सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन में फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आपको मिलता है, इरेज ऑल डाटा अगर आप करेंगे तो परफॉर्मेंस थोड़ी इंप्रूवमेंट आपको मिलेगी। नेक्स्ट आप CPU थ्रोटलिंग टेस्ट देख सकते हैं, कहीं भी ड्रॉप आपको नहीं मिलता, परफॉर्मेंस यहाँ पर ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं, स्टेबल अप्रोक्स आपको मिल जाती है, तो ये भी काफी सही परफॉर्म किया है। नेक्स्ट अगर बात करें सेटिंग्स में साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफाई अबाउट रिपीटेड कॉल्स, तो अगर 15 मिनट के अंदर किसी भी पर्सन का सेम नंबर से सेकंड बार कॉल आता है, अगर आपने कॉल को पिक नहीं किया तो ऐसे में नोटिफिकेशन आपको शो करेगा। इस ऑप्शन को अनेबल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन के एडिशनल सेटिंग्स में आप देख सकते हैं, अगर आप कीपैड टोन अनेबल डिसेबल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन पहले भी थे, लेकिन अगर आप अनइंस्टॉल ऐप का साउंड ऑन ऑफ करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज को डिलीट करते हैं उसका साउंड भी, या फिर स्टार्टअप ऑडियो जैसे फोन ऑन होता है तो उसका ऑन ऑफ करना चाहते हैं यहाँ से उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो गाइस ये अपडेट आपको मिल जाता है। एंड अगर आपके डिवाइस में ये अपडेट आपको नहीं मिला, 711 MB अपडेट का साइज है, तो अभी के लिए कुछ सिलेक्टेड डिवाइसेस के लिए कल रात को ये अपडेट रोल आउट किया गया था, तो जल्दी 1 वीक के अंदर आप वेट कर लीजिए, 1 वीक के अप्रोक्स अपडेट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस अपडेट का वेट नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, इसकी जो डाउनलोड लिंक है मैंने वहां पर आपको प्रोवाइड कर दी है, OTA रोम आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप 12.5.1 पे थे तो उसको आप डाउनलोड करके सिंपली चूज अपडेट पैकेज पे टैप करेंगे एंड जो फाइल आपने डाउनलोड की है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, 10 मिनट के अंदर आपका डिवाइस अपडेट हो जाएगा, फ्यूचर के भी अपडेट मिलेंगे एंड कोई आपके फोन का डाटा इरेज नहीं होगा, सेफ मेथड है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताइए कि आपके डिवाइस में आपको ये अपडेट मिला है या फिर नहीं। तो आज के वीडियो में के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।